हेलो स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में कक्षा 10 के विद्यार्थियों को गणित में अध्याय 3 एक्सरसाइज 3A में आपको हम बताएंगे दो चर राशि वाले रेखाखंड। आपने नेट में एक चर राशि वाले पढ़े, छोटी क्लासों में भी आप एट्थ में तो दो चर राशि वाले पढ़े होंगे, एक चर राशि वाले अधिकतर आप पढ़े होंगे। तो यहाँ पर देखिए दो चर राशि, जहाँ पर आपकी राशियाँ दो अचर राशियाँ हो, जैसे एक्स और वाई, ऐसी समीकरणों को हम दो चर राशि वाले समीकरण बोलते हैं। जैसे आपका एक दिया गया a1x प्लस b1y प्लस c इज इक्वल टू जी, ये दो चर राशि। देखिए a2x प्लस b2y, यहाँ c1 भी कर सकते हो, c2 इज इक्वल टू जी, ये सब दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण है। तो दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण में एक चीज को अवश्य आप ध्यान रखिएगा कि इसमें हम हल इनके कैसे ज्ञात करेंगे, इनके कैसे हल होंगे, अद्वितीय हल होंगे, अनेक हल होंगे या कोई हल नहीं होगा, इसके बारे में भी हम आपको यहाँ पर बताएंगे। तो देखिए पहली कंडीशन आपको हम बताते हैं, यदि इनके अनुपात निकाले जाए और यदि इसका अनुपात a1 upon a2 नॉट इज इक्वल टू b1 upon b2, यानी इसका अनुपात हम निकालते हैं और इसका अनुपात जो दिया गया है यानी a1 upon a2 does not is equal to b1 upon b2, इस कंडीशन में इसके हल क्या होंगे। तो देखिए इसकी कंडीशन हम बताए गए रहे अद्वितीय हल, क्या होंगे अद्वितीय हल, सारे कंडीशन आप याद रखें। और कंडीशन क्या होगी, प्रतिच्छेदित करें, क्या करेंगे प्रतिच्छेदित करें। और तीसरा क्या होगा, संगत, क्या होंगे संगत। तीन बातें याद रखें, यदि इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन मिलता है तो आप इसको ये याद रखना, यह दो समीकरण आपको दी गई है और उनका ये अनुपात आपको प्राप्त होता है तो वो तीन कंडीशन कौन कौन सी होंगी। पहली कंडीशन हमने आपको बताया अद्वितीय हल होगा, फिर प्रतिच्छेदित भी करेगी और कैसे होंगे संगत, ओके। दूसरा कंडीशन देखिएगा, यहाँ पर जब आपको a1 upon a2 इज इक्वल टू b1 upon b2 इज इक्वल टू c1 upon c2, ऐसी कंडीशन में देखिएगा इसके हल क्या हो, इसके हल अनेक, क्या होंगे अनेक हल। दो समीकरणों से ही आपको अनुपात बना करके निकालना है या दो समीकरणों का अनुपात ऐसा मिल रहा है तो अद्वितीय हल होंगे, प्रतिच्छेदित होंगे करेंगे संगत होंगे। यदि इन्हीं दोनों समीकरणों का अनुपात इस प्रकार से प्राप्त होता है तो इसके हल क्या होंगे, अनेक हल होंगे, संपाती करें, क्या होंगे संपाती और संगत। तीन नियम आप याद रखिएगा। और तीसरा कंडीशन आपका क्या होगा, तीसरा कंडीशन देखिएगा, यदि आप इन दोनों समीकरणों के अनुपात बनाते हैं और उनका अनुपात आपका इस प्रकार का हो जाता है डज नॉट इज इक्वल टू c1 upon c2, तब इसकी कंडीशन क्या होगी, यहां पर ध्यान रखिए कोई हल नहीं, कोई हल और क्या होंगे समांतर और असंगत, क्या होंगे असंगत। तो दो चर राशि में केवल आप ये इतनी चीज पहले ध्यान कि हमारा कोई दो समीकरण रैखिक समीकरण दी गई है, आपसे ये पूछ रहा है कि अद्वितीय हल होंगे
या अनेक हल होंगे या कोई हल नहीं होगा। तो यदि तीन कंडीशन आपको पता है, तीन कंडीशनों से इनके सारे आंसर आप दे सकते हैं, तो ये चीज तो पहले आपको पता होना चाहिए कि पहली कंडीशन क्या है, अद्वितीय हल, प्रतिच्छेद करेंगे, संगत। दूसरी कंडीशन यदि इस प्रकार की है तो अनेक हल, संपाति होंगे, संगत। और यदि ऐसी कंडीशन है तो कोई हल नहीं और रेखाएं क्या होंगी, समीकरण समांतर होंगी और क्या होगा, असंगत। तो इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है। ओके, अब देखिए एक्सरसाइज जो आपके लिए प्रश्नावली 3A, तो इन सारी चीजों को भी आपको ध्यान रखना है, किस प्रकार से कौन सा क्वेश्चन हमें सॉल्व करना होगा, सारी चीजें देखिएगा। मैंने क्वेश्चन आज नोट नहीं किया है, लेकिन इस चीज को ध्यान रखना, अपने बुक को आप खोल लीजिएगा, एक्सरसाइज आप देखिएगा 3A। 3A में पहला क्वेश्चन जो आपको दिया गया है वो दिया है कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। कितने वर्ष पूर्व? 7 वर्ष पूर्व। अब से 3 वर्ष बाद, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना, ये पूर्व और बाद की बात जो आ रही है यही पर आपका खेल है। तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊं, इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफी रूपों में व्यक्त कीजिए। यानी दो स्थितियां आपको बनाना, एक तो बीजगणितीय रूप समीकरण बना करके छोड़ दीजिए और दूसरा इसे ग्राफी रूप में व्यक्त कीजिए। तो कैसे हम इसको हल करेंगे, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर दो पर्सन है, एक तो आफ्ताब है और दूसरा कौन है, आफ्ताब की पुत्री। तो यहाँ मान लीजिएगा, माना आफ्ताब की वर्तमान आयु, माना आफ्ताब की वर्तमान आयु, देखिए पहला क्वेश्चन है आपका इस प्रश्नावली यक्ष वर्तमान, ठीक, तो पुत्री की वर्तमान आयु, पुत्री की वर्तमान आयु, यहाँ पर आप एक चरराशि का प्रयोग नहीं करेंगे, यहाँ दो चरराशि की बात चल रही है, तो यहाँ पर क्या रखेंगे, वाई। बात समझ में आ गई कि आफ्ताब की वर्तमान आयु आपने क्या माना, यक्ष, और पुत्री की वर्तमान आयु क्या माना, वाई। अब इनकी शर्तें, उन शर्तों के अनुसार आपको कार्य करना है। फर्स्ट शर्त क्या है देखिए, फर्स्ट शर्त के अनुसार देखिए क्या इन्होंने बताया, इन्होंने बताया कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो हम सबसे पहले 7 वर्ष पूर्व दोनों की आयु तो पता करें कि इनकी आयु क्या है, जब हमको यही नहीं पता है कि 7 वर्ष पूर्व इनकी आयु क्या है तो हम ज्ञात कैसे करेंगे। तो हमने अभी आपको पढ़ते समय बताया था कि पूर्व और बाद को आप समझिए, यदि किसी क्वेश्चन में पूर्व लिखा या पहले लिखा है तो उतने वर्ष आपको, जितने वर्ष पूर्व या पहले लिख दिया है वो वर्ष आपको इसमें से घटाने होंगे, दोनों में से क्या होगा, घटाना पड़ेगा। और यदि बाद में लिखा है या पश्चात लिख दिया है, इन शब्दों में थोड़ा हेरा फेरी है, तो आपको जितने वर्ष बाद या पश्चात लिखा हुआ है वह वर्ष आपको इसमें जोड़ दें। तो यहां पर सबसे पहले लिख लीजिएगा 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु, आफ्ताब की आयु। तो 7 वर्ष पूर्व यानी आज ये एक्स वर्ष के, तो 7 वर्ष पहले कितने वर्ष के थे, तो इसमें से हम 7 क्या कर देंगे, घटा। और 7 वर्ष पूर्व पुत्री की आयु, वो भी तो आज ये वाई वर्ष है, लेकिन 7 वर्ष पहले कितनी थी,
तो वाई में से हम सात को घटा दें। और इनकी शर्त क्या है कि तभी तुमसे सात गुनी आयु प्राप्त, यानी इन दोनों को बराबर एक्स माइनस सेवन इज इक्वल टू वाई माइनस सेवन, यानी सात वर्ष पूर्व आपका जो थे इनकी आयु जो थी इनकी आयु की कितने गुना थी, सात गुना। तो इसका मतलब उस सात से हम इसकी आयु को गुणा करें पुत्री की आयु, तभी तो ये इक्वल लग पाएगा, नहीं तो यही से जैसे हमने लिखा है। तो क्या ये वर्ष इस वर्ष के बराबर है, नहीं है। लेकिन यदि हम इसको सात गुनी बताया है और इस आयु को पुत्री की आयु को हम सात से गुणा कर दें तो इसके बराबर हो जाएगा। तो इसको भी मल्टीप्लाई करके हल करिए, एक्स माइनस सेवन इज इक्वल टू सेवन वाई माइनस 49, पहचानतर कर लीजिए। तो ये आपका हो जाएगा एक्स माइनस सेवन वाई माइनस 49 प्लस सेवन, तो एक्स माइनस सेवन वाई और माइनस का कितना हो जाएगा 40। चाहे तो आप इसको 75 कर सकते, या आपकी इक्वेशन यही आपकी बन जाएगी, फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी, या आप इसको 75 करना चाहे तो 75 भी कर सकते हैं। तो ये पहला समीकरण जो आपने बनाया ये पहली शर्त से बनाया, लेकिन इनकी शर्तें इसमें बताया दो लगी हुई है। फिर इन्होंने क्या कहा है, अब से यानी इस वर्ष से, इस इतने वर्ष के बाद जो दिया है, इसके बाद की आयु जो बनी, यानी आज से तीन वर्ष बाद मैं तुमसे केवल तीन गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो हम पहले सेकेंड शर्त के अनुसार तीन वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु, वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु। अब देखिएगा इनकी आयु हमने बताया था, यहाँ पर किसी भी क्वेश्चन में बाद या पश्चात लिखा हो तो उतने वर्ष हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं एक्स प्लस थ्री, और तीन ही वर्ष को शायद देखिएगा हमने पूर्व लिख दिया था, जबकि क्या लिखा हुआ है उसमें बाद, तीन वर्ष बाद पुत्री की आयु वाई प्लस थ्री। ठीक, अब देखिएगा यहां पर ये दोनों भागे इनको भी जैसे यहां से हल किया था वैसे हल करो, एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू वाई प्लस थ्री। क्या ये बराबर है, नहीं है, क्योंकि इन्होंने बताया है कि तीन वर्ष बाद आफ्ताब की आयु पुत्री की आयु की तीन गुनी होगी, तो इसका मतलब इसको भी हम तीन से क्या करें, गुणा। तो ये x प्लस थ्री इज इक्वल टू थ्री वाई प्लस नाइन, यानी x माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू नाइन माइनस थ्री, तो ये आपका हो जाएगा x माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू सिक्स। ये समीकरण कौन सा बन गया, सिक्स। तो देखिएगा ये तो बीजगणितीय रूप आपका बन गया, ये कैसा बना है, बीजगणितीय रूप। लेकिन इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन आप पाए तो सबसे पहले आप मानिएगा, जैसे इन्होंने कहा कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि सात वर्ष पूर्व मैं तुमसे सात गुनी आयु का था, यहाँ दो पर्सन है तो दोनों की वर्तमान आयु को आपको मानना होगा और दो चर राशियों में मानना होगा, क्योंकि दो चर राशि वाले समीकरण। तो आफ्ताब की वर्तमान आयु यदि आप x मानते हैं तो पुत्री की आयु क्या मानेंगे, वाई। अब देखिएगा फर्स्ट शर्त, सात वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु क्या होगी, पुत्री की आयु क्या होगी, और फिर इन्होंने बताया है कि आफ्ताब की आयु पुत्री की आयु की सात गुनी है, तो पुत्री की आयु को सात से आप क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो आपको पहला समीकरण मिल जाएगा। यही कहा दूसरी शर्त, सेकेंड शर्त के अनुसार तीन वर्ष बाद आफ्ताब की आयु x प्लस थ्री और पुत्री की आयु y प्लस थ्री,
और यहाँ पर भी इन्होंने बताया कि 3 वर्ष बाद पुत्री की आयु, ये आयु क्या हो जाएगी, इनकी आयु पुत्री की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो पुत्री की आयु को 3 से गुणा कर देंगे तो ये दूसरा समीकरण आपको प्राप्त हो जाएगा। तो ये तो था आपका बीजगणित। अब आपसे ये भी कहा गया है कि ग्राफी रूप बनाएंगे, तो ग्राफी रूप कैसे बनाएंगे देखिएगा। ये कार्य तो हमने आपको समझा ही दिया है, इन्हीं समीकरणों से ग्राफी रूप कैसे बनता है इसके बारे में हम आपको बताते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन को यदि आप ढंग से समझ लेंगे तो सारे क्वेश्चन आपको अपने आप सॉल्व करना है। जितने भी दिए गए हैं, इज इक्वल टू -42, ये पहला समीकरण है, और सेकेंड था एक्स माइनस 3y इज इक्वल टू 6। देखिए ग्राफी रूप बनाते समय में हमें क्या ध्यान देना है, इस सारी चीजों को आप ध्यान दीजिए। सबसे पहले देखिए हम पहला समीकरण लेकर के चलते हैं, जैसे एक्स माइनस 7y इज इक्वल टू -40। इसमें हम x को पक्षांतर करें, इसको पक्षांतर करें x, तो -7y -42 -x। अब माइनस से पूरे को मल्टीप्लाई कर दे या डिवाइड कर दे, दोनों कोई भी दोनों सकते यूज कर सकते हैं। तो यदि माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर आप यह -7 से लिख दो, -7 से दोनों पक्षों में भाग कर दो, दोनों पक्षों में भाग करने पर, भाग करने पर तो यहाँ हो जाएगा वाई, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा भाई, यहाँ -42 - -7 होगा, माइनस माइनस प्लस 7 - 42, और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, या आप ऐसे रखा रहने दो कोई दिक्कत नहीं, देखिएगा इधर तो हमने काट दिया है -42 - x / -7। इसको इस प्रकार से कर लो, माइनस कॉमन ले लिया जाए तो 42 + x / -7, माइनस माइनस कैंसिल। अब बात आई पर जब ग्राफी रूप बनाओगे तो कम से कम 3 निर्देशांक अवश्य निकालें, वह निर्देशांक हम कैसे निकालेंगे इस बात को भी समझ लीजिए। हम x का वह मान डालेंगे यहाँ पर कि जोड़ने या घटाने पर इस 7 से पूर्णतया डिवाइड हो जाए, यानी पूर्णतया विभाजित हो जाए। तो यहाँ पर हम कौन सा मान डालें, और देखिए यहाँ पर हम सारणी भी बना लेंगे साथ ही में पहले समीकरण के लिए, इस प्रकार से आप इसकी सारणी बना लीजिए, क्योंकि 3 निर्देशांक आपको निकालने हैं तो 3 कॉलम अवश्य बने। ये आपका एक्स की वैल्यू है, ये वाई है, और ये निर्देशांक यानी एक्स वाई, ठीक। अब देखिए हम एक्स की वैल्यू यहाँ पर क्या डालें, यदि x का मान यहाँ पर हम 0 डालें तो 42 ही तो बचेगा, और 42 7 से क्या होगा डिवाइड होगा 7 - 42, तो यहाँ पर 0 डालेंगे तो इसको हल करने के बाद कितना आएगा 6, तो निर्देशांक क्या बनेगा 0, 6। पहली बात समझ में आ गई, चाहे तो आप हल करके निकाल लें लंबा हो जाएगा, या आप इस प्रकार से सारणी बनाए और अपने दिमाग में फ्रीज रखें यह मान कौन सा डालें कि 7 से डिवाइड जरूर हो जाए। ये नहीं कि आप 2 डाल दें तो 45 आ गए, 45 7 से नहीं कटा लेकिन चलो दसमलव में नहीं कर सकते, पूर्णतया विभाजित। अब देखिए यहाँ पर कौन सा मान डाला जाए, तो यहाँ पर देखिएगा मान कौन सा पुट अप करें कि हमें निर्देशांक मालूम हो जाए। तो यहाँ आप या तो 7 डाल सकते हैं प्लस का, या फिर डाल सकते हैं माइनस। तो यदि हम प्लस का 7 डालते हैं देखिएगा तो 42 और 7 कितना हो जाएगा 49, और 7 - 49 यानी यहाँ पर भी 7 आएगा और निर्देशांक क्या बनेगा 7, 7। बात समझ में आ रही है। अब देखिएगा -7 डालते हैं तो माइनस का 7 जब डालेंगे तो यहाँ 35 बचेगा, तो ये भी 35 7 से डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ -7 कर दो 7 - 35 यानी निर्देशांक है -7, 5।
ये बात आपके समझ में आई। हमने बताया कि पहले समीकरण को आप इस रूप में डाल दीजिए, यदि आपके समझ में नहीं आ रहा हम कैसे वहां पर मान डालेंगे तो आप मान लिख करके डाल सकते हैं, लिखेंगे x इक्वल टू जीरो का मान रखने पर तब आपको पहला निर्देशांक मिलेगा, फिर x इक्वल टू सेवन का मान रखने पर दूसरा मिलेगा, फिर x इक्वल टू माइनस सेवन का मान रखने पर, तो ये प्रक्रिया लंबी हो जाएगी। यदि हम इतना ही बना करके और ये सारणी बना करके देखें तो हमारा पहले समीकरण से पहले सारणी प्राप्त हो जाए। ये बात समझ में आ गई। जैसे हमने इस समीकरण को बनाया वैसे इस समीकरण के लिए भी यही रूप करें, तो देखिए इससे हमारा क्या बनता है। अब हम समीकरण आपको देंगे दूसरा, यानी x माइनस 3y इज इक्वल टू 6 माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस x और प्लस का 6, यानी माइनस 3 से दोनों पक्षों में भाग करने पर जब आप उसको भाग करेंगे तो ये इधर आपका क्या बचेगा y बचेगा, क्योंकि माइनस माइनस भी कटेगा, 3 से 3 डिवाइड हो जाएगा, यहाँ माइनस x प्लस 6 अपान माइनस का 3, तो माइनस कॉमन ही रूप पर हम लेते हैं तो x माइनस 6 अपान माइनस 3 माइनस माइनस कैंसिल, यानी x माइनस 6 बाई ये y इज इक्वल। अब हम इसमें x की वैल्यू डालेंगे तभी y का मान निकल पाएंगे, तो जैसे यहाँ पर पहले के लिए हमने बनाया था वैसे दूसरे के लिए भी देखिएगा हम सारणी बनाएंगे। हमने पहले ही बताया कि बहुत टफ नहीं है, केवल आपको थोड़ा सा समझना, क्वेश्चन सभी इजी है, ये x है ये y x का मान y। अब पहला मान हम क्या डालें कि जो घटाने या जोड़ने के बाद 3 से डिवाइड हो जाए, तो हम पहले जीरो ही डालेंगे, x की वैल्यू क्या डालेंगे जीरो, और जीरो डालेंगे तो माइनस 6 यहां पर बचेगा और माइनस 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो माइनस का 2, तो ये आपका निर्देशांक हो जाएगा जीरो कामा माइनस 2। ओके, फिर दिखेगा यहां पर हम कौन सा मान डालें, प्लस का भी 3 डाल सकते हैं माइनस का 3 भी डाल सकते हैं, तो यदि हम प्लस का 3 डालते हैं तो यहाँ x की वैल्यू हमने प्लस की 3 रखा है, तो यहाँ घटेगा तो बचेगा माइनस का 3 और 3 से 3 डिवाइड होगा तो माइनस का 1, यानी 3 का मान माइनस 1। अब देखिएगा यदि यहाँ पर हम माइनस 3 डालें, यदि माइनस 3 को तब पढ़ते हैं तो दोनों माइनस के हो जाएंगे, तो 6 3 9 3 3 4 9 माइनस का 3, यानी जब माइनस 3 यहाँ रखते हैं तो माइनस का 3 बचेगा और यहाँ निर्देशांक क्या हो जाएगा माइनस 3 का माइनस। ये बात समझ में आ गई। आप इन समीकरणों को देख करके हमने पहले ही बताया कि वो मान यहाँ पर डालने हैं जिनको रखने के पश्चात जोड़ने या घटाने के बाद जो भी नीचे संख्या दी है उससे पूर्णतया विभाजित हो जाए, ये मान आपको यहाँ पर तब करना है, इस चीज को ध्यान रखना है। अब देखिए दो सारणी आप प्राप्त कर लिए और दोनों सारणियों में आपको निर्देशांक भी मिले हुए हैं, देखिएगा 3-3 निर्देशांक हमने निकाल लिया, आप ज्यादा निकाल सकते हैं 4-5-6 जितने भी निकालना चाहे। अब देखिए इसको ग्राफ पर हम कैसे प्रदर्शित करेंगे ये भी आपको 9th में बताया जा चुका है। जैसे यहां पर देखिए ये आपका एक x अक्ष है तो y अक्ष है और ये आपका x अक्ष है, ये कौन सा है x अक्ष और ये क्या है y अक्ष, ये मूल बिंदु आप जानते हैं जहां पर दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं यहां पर वही तो इसका मूल बिंदु है, और मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं 0,0। अब देखिए पहले समीकरण को लेकर के अब चलते, पहला बिंदु जो होगा वो x के लिए होगा और दूसरा बिंदु जो होगा वो y का, यानी कहने मतलब है
x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 6 है, प्लस की है, तो x आपका तो यही रह गया और y कहाँ पहुंच गया, 6 बार कर लो, चाहे तो आप दिखा लीजिएगा इसमें नंबर, आप नंबरिंग कर सकते हैं, नंबर डाल करके दिखा सकते हैं। तो मान लो 6 यहाँ पर, तो ये पहला निर्देशांक आपका हो 0, 6। ओके, आप यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे यहाँ पर डाल दो, इधर माइनस में डाल दो, इस प्रकार से डाल दीजिएगा, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे यहाँ पर भी 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6 आगे बढ़ा दो 7, ठीक। ऐसे इधर -1, -2, -3, -4, -6, 5 और -6 आगे बढ़ा दीजिएगा -7। नीचे भी -1, -2, -3, -4, -5, -6 और -7 ऐसे दिखा दिए। अब यहाँ पर देखिए x की वैल्यू 0 है और y कितनी है 6, तो आप ऊपर से चलेंगे, x पर आप नहीं जाएंगे क्योंकि x की वैल्यू क्या है 0। अगला निर्देशांक x के मान 7 है, y का मान भी 7, समझ गए, x का मान 7, y का मान 7, तो इधर से देखिए, ये देखते जाइए 7 x का लिया और 7 y, समझ गए। मान लो यहां पर आप, तो इसका निर्देशांक क्या है 7, 7। अगला क्या है -7, -5 -7, -5 तो -7 आप इधर चलेंगे और 5 आप यहां, देखते जाइए ये यहां पर आता है और इसका निर्देशांक क्या है -7, -5 और इसको एक सीधी रेखा से मिला, कैसे सीधी रेखा से मिला, ओके। ये जो आपकी रेखा बनी है देख रहे हो, ये इन बिंदुओं से होकर के जा रही है, ये आपकी पहली समीकरण का ये रैखिक समीकरण हो गया, ठीक। अब दूसरा देखिएगा, पहला 0 है, x का मान 0 और y का मान -2, x 0 पे आ गया, y -2, तो आपका यहां पर ये आपका निर्देशांक कौन सा होगा 0, -2। दूसरा 3, -1, 3, -1 देखिए -1 यहां पर है और 3 यहां पर है, इस स्थान पर बिंदु है, ठीक। और इसका निर्देशांक क्या होगा 3, -1, क्योंकि प्लस का 3 है तो हम इधर चलेंगे, माइनस का होता तो इधर चलते, फिर आ गया -3, -3, ये -3 और ये -3, देखिए दोनों का सिर ये आ गया, इसका निर्देशांक क्या है -3, -3 और इसको भी मिला दीजिए इस प्रकार, इसको भी बढ़ा दीजिए, तो ये जो समीकरण है ये आपका ग्राफी रूप है, यही आपका ग्राफी रूप है, केवल ये ग्राफ बना देना है, इनके निर्देशांक लेकर के आप ग्राफ बना दीजिएगा, यहाँ पर चाहे तो समीकरण पहली दे सकते हैं और यहाँ लिख सकते हैं समीकरण दूसरी एक साइड में, कहीं पर भी आप लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख दीजिए x -7y = -32 और यहाँ पर आप लिख दीजिएगा x -3y = 6। ये रूप जो बना आपका वो कैसा है, ग्राफी रूप है, और जो आपने समीकरण बनाए थे ये आपका बीजगणितीय रूप है। तो इस प्रकार के जो भी क्वेश्चंस आप पाएंगे वो सारे क्वेश्चंस को आपको इस प्रकार से सॉल्व करना है, और बहुत सारे क्वेश्चन दिए, 4 क्वेश्चन आपके कह दिए, 4-5 क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन, इसमें तो 2 पार्ट आपको दिए गए हैं, इन दोनों पार्टों को भी आपको इसी प्रकार से मान करके पहले आप बीजगणितीय रूप बनाइए और फिर इसका ग्राफिक रूप बनाइएगा, क्वेश्चन थोड़ा सा बड़े, और प्रयास कीजिएगा कि हम इन सारे क्वेश्चनों को आप हल करें,
फिर अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे इन्हीं समीकरणों को लेकर के कि इनके हल अद्वितीय हैं या अनेक हैं या कोई नहीं है या संगत है या फिर क्या है असंगत है या प्रतिच्छेदित करते हैं संपादित कर संपादित करते हैं या समांतर है। इन सारी कंडीशंस को अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे। आज मैं इस वीडियो में केवल इतना ही पढ़ाएंगे क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा टफ भी है और देखा जाए इजी भी है या रात समझ में आ जाए तो प्रयास करते रहिएगा क्योंकि अगला लेसन आपका शुरू हुआ है। कापी पर इसके नोट्स बनाते हैं। ओके।